अस्सलाम वालेकुम। बस कांग्रेस के सिलसिले से बस यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो सिलसिले से और जो है सिद्धरामैया जी उनके बारे में वो सिलसिले से यहाँ पर जमा हुए हैं। जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो भी चला वो सिलसिले की वजह से हम यहाँ पर जमे हुए हैं। आप जो भी आप हमारा वीडियो देखते हैं इसको पूरा देखना पड़ेगा। जी जी, पूरा देखने के बाद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी कांग्रेस हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या सच्चाई है, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा। जब तक ये पूरा आप इसको वीडियो नहीं देखेंगे, अगर से देखकर अच्छा लगे इंशाल्लाह हर एक को शेयर करें। जी, बस सबसे पहले जो भी सिद्धरामैया जी के बारे में चंद आबाब चिल्लर लोग जो भी जहां पर भी एक चैम्बर भर जाता है तो लोग हमें कंप्लेंट करने लगते हैं, भैया यहां पर चैम्बर भर गया है। जब चैम्बर उठाएंगे तो झुंगुर जैसा निकलते हैं वैसा चंद लोग निकले हुए हैं। इंशाल्लाह जब का जब हमने चैम्बर वहां पर पाक कराकर स्प्रे मारकर फिर वहां पर डाल देते हैं, ऐसे झुंगुर बाहर निकले। सिद्धरामैया जी इंशाल्लाह मैं यूँ चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन किस वजह से, लेकिन मुसलमानों का काम क्या है। सबसे पहले जो दिल्ली के अंदर जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुई थी, सबसे पहले गाय का गोश्त किसी कीमत से भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन सिद्धरामैया जी ने विधान सौदा के अंदर बैठकर वहां पर बात किया, सबसे पहले मैं विधान सौदा के अंदर ही मैं गाय कटाकर बैठकर गोश्त खाऊंगा। ये आवाज सिर्फ सिद्धरामैया जी, मुसलमानों का जो भी काम करता है वही मुसलमानों का लीडर कहलाया जाता है। और उसके बाद जो भी हमारे बच्चे मेरे माँ बहनें जितने भी हैं जो शादी भाग्या जो भी निकाले हुए हैं, 1,50,000 रुपया कितने लाख लोग को मिला है, क्या सिद्धरामैया जी काम नहीं किए। इंदिरा कैंटीन गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना, पेट भरकर खाना, क्या आपको गरीबों का काम नहीं, सिद्धरामैया जी मुसलमानों का काम नहीं किया। और रेशन मुफ्त में रेशन, जब CM बने सिद्धरामैया जी ने बाखदा मुफ्त हर एक आदमी को, हर एक गरीब आदमी को 5 kg चावल, हर एक एक आदमी एक घर का आदमी 8-8, 10-10 आदमी 40-50 kg सिद्धरामैया जी ने मुफ्त में काम किए, हर एक को गरीब को फ्री रेशन मिलना पड़े, क्या सिद्धरामैया जी काम नहीं किए। कोई की एक आदमी कहता है कि सिद्धरामैया जी मुसलमान का लीडर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी है, बस 2-3 आदमी ऐसे मुसलमान, ऐसे कमीने इंसान, वो इंसान नहीं, मैं यूं कहता हूं कि वो जानवर है। अगर से सही अगर से मुसलमान होता तो बाखदा सिद्धरामैया जी की तारीफ करता। टीपू जयंती के अंदर BJP के लोगों ने, RSS के लोगों ने टीपू सुल्तान को आतंकवादी कहा, यहां तक ऐसे ऐसे चंद आवाजों निकाले उन्होंने, लेकिन सिद्धरामैया जी ने एक ही आवाज उठाया, मुसलमान टीपू सुल्तान शेर है, वही टाइगर है, वही हिंदुस्तान के अंदर सब चीज कुर्बानी देकर उन्होंने भी उसके अंदर मुसलमानों के अंदर हिस्सा लिया है, बाकायदा उन्होंने भी हिंदुस्तान को आजाद किया है। ये आवाज सिद्धरामैया जी ने उठाकर टीपू जयंती के बारे में। कोई लोग कहता है कि टीपू जयंती किस वास्ते, अरे पूछो, हर एक की जयंती होती है, क्या टीपू सुल्तान की जयंती नहीं होना चाहिए क्या। 8/5 कॉरपोरेशन के अंदर थे, बाकायदा मैच फिक्स हो गई थी कुमार स्वामी जी ने और सारा महेश जी ने, लेकिन वहां पर पूरे बीजेपी के लोगों से मैच फिक्स कर दिया गया था ताकि लोगों को सिर्फ फिल्म दिखा देते उन्होंने। तुम्हें मालूम है तारीख में कुमार स्वामी जी अचंद कारपेटर बीजेपी के शायद ब्रोकर होंगे, वो जो भी कल जो दिए हैं, मैं यूं समझता हूं कि बीजेपी RSS के वो ब्रोकर लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस कोसी पार्टी के अंदर है, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, सिद्धरामैया जी बहुत मुसलमानों के लिए काम किया है, पूरी सेकुलर सिस्टम के लिए उन्होंने काम किया है, ये देश जो है कांग्रेस से आज़ाद हुआ है। जब वहाँ पर जब इलेक्शन का सिलसिला जब चला तो बाकायदा हमारे 20 पदों थे, उनके 20 पदों थे, लेकिन बीजेपी हमारा बाकायदा 3-4 महीने टर्न था, लेकिन हमें छोड़कर देना था वो, लेकिन हमने छोड़कर नहीं दिया। ये आज से नहीं है कॉरपोरेशन बीजेपी दड़ा, लेकिन जब कुमार स्वामी CM बने तो बीजेपी का हाथ पकड़कर चले, लेकिन मेजॉरिटी बीजेपी कांग्रेस की जब CM से कांग्रेस की थी, जब बाकायदा जब बीजेपी सरकार चंद सीटों बीजेपी आई थी, इनके चंद सीटों से लेकर कुमार स्वामी सबसे पहले, आज से नहीं है ये, कुमार स्वामी जब से दड़ा बनी है तो वो बीजेपी RSS के बरोबर है, आप लोगों को समझना चाहिए। के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्जाम था कि जो पिछली हुकूमत थी सरकार की, कर्नाटक की जो हुकूमत थी,
जेडीएस और कांग्रेस के इत्तला के बिना पर यह हुआ था और कांग्रेस की भी शफाफ गलती बताई गई थी। देखिए पिछले 5 साल पहले बीजेपी दड़ा दोनों मिलकर 5 साल सरकार चलाए थे, लेकिन जो भी चलाए थे वहां पर जो आरिफ हुसैन अयूब साहब ने, लेकिन काउंसलिंग के अंदर जो भी मुद्दा उठता है मुसलमानों के सिलसिले से चाहे कोई से भी कॉरपोरेशन के सिलसिले से, सबसे पहले मोदी को जवाब देते हैं वो। अगर से बीजेपी के लोग जो भी उठते हैं तो बाखदा कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को डुबाने वाला मोदी जी। ये आवाज आरिफ हुसैन साहब और अयूब साहब ने कहते हैं, उन लोग कहते हैं कि आरिफ हुसैन साहब और अयूब साहब पूरी कॉरपोरेशन, अरे कॉरपोरेशन चाहे कोई भी सरकार बैठ जाए, चाहे जिसका भी मेयर बैठ जाए, लेकिन उन दोनों ने इतनी हिम्मत है हम लोगों को 14 मुसलमानों यहां से जीतना है तो फर्ज क्या है। पूरे वार्ड लेडीज कर दिया गया था, पूरे वार्ड SC ST बना दिया गया था, इसकी वजह कौन है? सिद्धरामैया जी और आरिफ हुसैन अयूब साहब, यूटी खादर जमीर भाई, उन्होंने सब मिलकर हमारे वार्डों को चेंज किया। वरना अगर से वार्ड अगर से हमें नहीं चेंज कर देकर रहते तो हम सब लड़ना पड़ता था। अच्छा पड्डू भाई, उनका ये भी कहना था कि जब उनके कैंडिडेट अश्विनी डाले गए थे तो आप कांग्रेस के लोग क्यों साथ नहीं दिए, 4 महीने की सिर्फ बात थी, ये समझौता कंटिन्यू हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से ये हुआ। देखिए फर्स्ट कैंडिडेट हमारे कांग्रेस का था शांत कुमारी, फर्स्ट रेफरेंसरी, अगर से हम सब मिलकर हाथ उठाए थे, जब उन्होंने अगर से चाहते तो हम हमारा साथ दे सकते थे अगर से, लेकिन अब्दुल्ला भाई, मैं अब्दुल्ला भाई को सलूट करता हूं और सलाम करता हूं, ताकि वो लोग लेकिन बाखदा कांग्रेस के साथ यूं कहने लगे कि मैं बहुत मना रहा हूं, बहुत मना रहा हूं, लेकिन मैच फिक्स हो चुकी है वहां पर, जो बड़े बड़े लोग वहां पर बात करने लगे, लेकिन जनता दड़ा के कारपोरेटर भी हमारा साथ 2.5 साल मिल को रहने के बावजूद उनके आंखों में भी आंसू था, ताकि हम बीजेपी को चला जा रहे हैं, ये हकीकत क्या है ये बोलना पड़ेगा। बैठते हैं बीजेपी की ब्रोकरी की बात करते हैं, ये क्या बात है? अरे जनता दड़ा बीजेपी से कब से मिलकर है ये तो सुनाओ, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा कर्नाटका देख रहा है। कुमार स्वामी जी ने येडियुरप्पा का हाथ पकड़कर सरकार बनाए थे, क्या कभी सिद्धरामैया जी ने बनाए? अरे सिद्धरामैया जी ने कितने स्कीमें गरीबों के लिए लाए हैं, अरे मुसलमानों के वो लीडर हैं ताकि मुसलमानों का काम करते हैं। बात निकली है तो ये भी बता दो पंडित भाई, आप सिद्धरामैया की जो बात कह रहे हैं उनकी जो सर्विसेज थे वो तमाम आवाम जानते हैं, सेक्युलरिज्म की वजह से आप जो बात कर रहे हैं। कल ये मुद्दा इसलिए उठा था कि हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार और कन्नड़ अखबार में 3 तस्वीर आए हुए थे, एक तनवीर सेठ साहब की, एक जमीर अहमद खान साहब की और एक रिजवान अर्शद साहब की। तीनों को ये कहा गया कि सिद्धरामैया की खातिर जमीर भाई चमराजपेट से अपनी सीट छोड़कर शिवाजीनगर आ जाएंगे और रिजवान अर्शद NR हल्के को आ जाएंगे। तो यहाँ नुमाइंदगी को लेकर एक सवाल हो गया था कि तीनों की लड़ाई में तीनों को कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप कम हुई है। देखिए ये बात से उन्होंने, देखिए ये सब गलत बात है। जमीर भाई जो है इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक के अंदर जहां भी खड़ेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि वो गरीबों के दाता हैं, वो गरीबों के लीडर हैं। मैं सलीम जमीर भाई को मैं सलाम करता हूँ, मैसूर के अंदर शांतिनगर कारपोरेटर होने के नातिक मैं जमीर भाई को सलाम करता हूँ। वो ऐसे लीडर हैं, मैं उनकी तारीफ सुनहरी लफ्जों में लिखना पड़ता है। ऐसे MLA तो सबको चाहिए, मैं कोई MLA के बारे में बोलना नहीं चाहता। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह वक्त तय करता है, इंशाल्लाह इलेक्शनों के अंदर सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इंशाल्लाह मैं कोई MLA के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन गरीबों का दाता यही है कि जमीर भाई। वो बात सही है, सवाल ये था तीनों अपने ये सब झूठ बात है, ये सब बेकार की बात है, ये सब बनाए हैं। कांग्रेस के बारे में कोई बोलने का नहीं है और सिद्धरामैया जी के बारे में कोई बोलने का नहीं है। अगर से बोलेंगे इंशाल्लाह कांग्रेस के बारे में आप बड़े हैं, कांग्रेस के बारे में आपके आपके हर चीज रोटी चली है, आप कांग्रेस से पोजीशन बनाए हैं। अगर कांग्रेस के बारे में सिद्धरामैया जी के बारे में कोई बोलेंगे इंशाल्लाह 25 करोड़ मुसलमान लोग आप लोगों के घरों के पास बैठ जाएंगे, ताकि कांग्रेस पूरे देश को लेकर चली है। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, सिद्धरामैया जी एक जो भी मुसलमानों का काम करता है वो मुसलमानों का लीडर कहलाया जाता है। सबसे पहले आवाज सिद्धरामैया जी ने विधानसभा के अंदर बैठकर जब भी मुसलमानों का जो भी हो सकता है, RSS के ऊपर फाइट किए हैं, BJP वालों के अंदर फाइट किए हैं, लेकिन मुसलमानों को कभी उन्होंने छोड़कर नहीं दिया गया। ठीक है पंडित भाई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDS के जिम्मेदारों ने यह कहा कि JDS पार्टी में जिस तरह से मुसलमानों को डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, तस्नीम को मेयर बनाया गया, डिप्टी मेयर छतिया को बनाया गया, तो ये नुमाइंदगी जो JDS से मिली जाती है मुसलमानों को, खासकर
कांग्रेस में नजरअंदाज करती बल्कि बात आई। देखिए वहां पर मैं सबसे पहले अब्दुल्ला भाई को इसीलिए मैंने सलाम किया, ताकि मुसलमानों के अंदर रहकर तस्लीम जी को वहां पर मेयर बना दिया गया, शफी साहब को डिप्टी मेयर बना दिया गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह कांग्रेस के अंदर कौन कौन बने हैं मेयर सीनियर सब कुछ बोलिए मेरे को। क्या अयूब साहब नहीं बने, क्या अभी आफ्ताब साहब नहीं बने, क्या यश डिप्टी मेयर शफी साहब को चेयरमैन नहीं बनाया गया? अरे कितने मुसलमान मेयर नहीं बने हुए हैं, कितने मुसलमानों को असरत को क्या यहाँ पर एक से दो तीन बार पोजीशन नहीं दिया गया, किसको नहीं? ये जो है कांग्रेस एक समंदर है, समंदर है, दरिया का कोना कोई पकड़ा है क्या? ये जो दड़ा जाओ पार्टी है ये एक बौड़ी जैसी है, यहाँ पर खड्डा है वहाँ पर ये बौड़ी है, ये केरा है ये, लेकिन ये समंदर है, समंदर में तीर रहे हैं हम सब। कांग्रेस पार्टी एक दरिया है, ये जो छोटे मोटे पार्टी धनवीर सेठ साहब उनको नोटिस देकर उनको इस तरह बदनाम करना और उनके कार्यकर्ताओं को जो है पूरा सस्पेंड करना, ये कहां तक ठीक है? देखिए वो जो भी जवाब इंशाल्लाह सिद्धरामैया जी देंगे तन्वीर सेठ साहब के बारे में, हम अब नहीं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे। मैं MLA के बारे में तो कोई लफ्ज नहीं निकालना चाहता, ताकि वो अच्छा किए हैं तो इंशाल्लाह बाखदा नेक्स्ट जीत भी सकते हैं। और दो आदमी उनके कहे हैं कि कांग्रेस का वोट यहाँ पर कितना है, तन्वीर सेठ साहब जीते हैं तो किससे जीते हैं? लेबल लेकर जीते हैं, कांग्रेस से जीते हैं, 40,000 वोट कांग्रेस का है, उसी के सिलसिले जीते हैं। अगर कोई भी MLA यहाँ से देखेंगे इंडिपेंडेंट खड़ो गए यहाँ के NR हल्के से जीत कर दिखाएं, मालूम हो सकता है जो भी कांग्रेस से इंशाल्लाह लेबल लाएगा तो बाखदा जीतेगा वो। अरे जो काम इंसान काम करता है तो बाखदा उसके साथ जीता है। ये कांग्रेस की बेल्ट है, इंदिरा गांधी के जमाने की बेल्ट है, ये अजीत सेठ साहब का यहाँ पर सिंबल है हाथ का लेबल, उसी के सिलसिले से यहाँ पर जीता जा रहा है। 40,000 वोट 35,000 वोट यहाँ पर कांग्रेस का फिक्स है, चंद वोट लेना चाहिए जीतने के लिए, उसमें यहाँ पर 5 मरतबा जीत लेकर जा रहे हैं। तारीख गवाह है ना, हल्के में जिस तरह भी ऊंच नीच हुई है, अजीत सेठ साहब का जब आपने नाम ले लिया है तो उन्हीं की जो कैरेक्टर था शख्सियत उन्हीं को लेकर पार्टी को कभी देखा नहीं गया। अजीत सेठ जिस पार्टी में खड़े होते थे लोग सामने आ जाते थे, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस की वजह से अजीत सेठ थे, अजीत सेठ की वजह से कांग्रेस नहीं? बेशक कांग्रेस से अजीत सेठ थे जी, इंशाल्लाह कांग्रेस से तन्वीर सेठ थे जी, लेकिन कांग्रेस से छोड़कर नहीं थे, कांग्रेस से बने हैं वो सब, कांग्रेस से तन्वीर सेठ जो भी हैं कांग्रेस से हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट से नहीं है। लेकिन उनके लोग चंद लोग बैठकर कहते हैं ताकि कांग्रेस रहने से तन्वीर सेठ, ये गलत बात है, ये वापस बात लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह कांग्रेस ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 60 साल हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हिंदुस्तान तरक्की किया है। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो भी बोलता है मैं यूं समझता हूं वो इंसान नहीं, वो जानवर के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सबसे पहली बात तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जो फाजिल चांद जो कल परसों यहां बताया है मीडिया के अंदर, जो समझ जाओ मुसलमानों वरना ख़त्म हो जाएंगे, दास्तान ही नहीं रहेगी दास्तानों में। मुसलमान सबसे पहली तो अल्लाह की ज़ात को मानने वाली ज़ात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, BJP हो, JDS हो, ऐसे अभी 1,000 पार्टी आएंगे तो भी मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ये तो अल्लाह की ज़ात जब तक दायम और कायम रहेगी, जब तक मुसलमानों का नाम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर हमें भी भरोसा है, पूरी दुनिया को इसका भरोसा है। खान साहब के बेटे ने जो समझाया आपको सबको बताया, जो गुमराह किया है, ये सब इनकी एक मिली भगत है। जब शाहिद को पार्टी से काढ़ा गया तो पार्टी काढ़ी है ना, सिद्धरामैया साहब काढ़े ना DK शिवकुमार साहब काढ़े, पार्टी से नोटिस भेजी, पार्टी से शाहिद को काढ़ा गया है। इसकी वजह तो मालूम है, वजह यह है कि पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, वो नारेबाजी करने की वजह से तन्वीर सेठ साहब को भी नोटिस दी, क्योंकि उनके घर के पास पुकारा गया था। इस वजह से कि तन्वीर साहब के इख्तियार में था कि वो नारेबाजी बंद कर सकते थे, वो नारेबाजी नहीं बंद कराने की वजह से तन्वीर सेठ साहब को भी नोटिस दिए, शाहिद को भी नोटिस दिए है। सर नोटिस की वजह से ही है वो सब हमने आया था? नहीं नहीं, ये सब नोटिस की वजह से नहीं था, ये अंदरूनी एक सियासी एक प्लानिंग था। ये तन्वीर सेठ साहब के अभी छोटे बच्चे नहीं, 5 बार जीते हैं, आप सबको पता भी है, उनको नोटिस ऐसे नहीं भेजा था। इनके लोगों ने ये कैसी अफवाह उठा दी थी कि कांग्रेस के बारे में बेमतलब बातें जो शुरू कर दिए थे, इस वजह से क्या करी कांग्रेस इनका मुंह बंद करने के लिए एक नोटिस भेजी बस। जब उनका हम जाके सबका मुंह बंद हो गया, जिसके उनके फॉलोअर आंगा जो पुकार रहे थे उनके सब मुंह बंद हो गए,
नोटिस आने से पहले आप देखे होंगे मीडिया में आए, लोडों पे आए, वो दंगे ये किरे सब पूरे नोटिस के बाद बंद कर दिए। शाहिद ने कल जो बताया है कांग्रेस जो है कम्युनल पार्टी है, सेकुलर पार्टी नहीं है बोल के, शाहिद यही शाहिद डेढ़ महीने पहले यही मैसूर वकबोट के लिए कांग्रेस पार्टी से लेटर डाला हुआ है कि कांग्रेस के अंदर में 25 साल से मेहनत कर रहा हूं, पार्टी को बनाया हूं, लोगों को जिताया हूं, जबकि ये 3 बार कांग्रेस की टिकट लेकर 1500 वोट पार नहीं किए। कौन? आपके शाहिद भाई। शाहिद भाई को समझना चाहिए था जब कांग्रेस की टिकट लेकर आप 3 बार कंटेस्ट किए इलेक्शन, 1500 वोट अभी तक पार नहीं किए, जब कांग्रेस पार्टी सेकुलर थी, सिद्धरामैया सब सेकुलर थे, डीके शिवकुमार सेकुलर थे। जब इनको वकबोट के लिए, मैसूर वकबोट के लिए ये चेयरमैनशिप पूछी 1.5 महीना पहले, ये लेटर दिए हुए हैं कि मुझे चेयरमैनशिप चाहिए। इनको चेयरमैनशिप नहीं देने की वजह से ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कांग्रेस कम्युनल है, सिद्धरामैया सब कम्युनल है। आप सब जानते हैं 70 साल से कांग्रेस क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, ये सबको पता है। रही बात सिद्धरामैया साहब की, सिद्धरामैया साहब को हर घर का बच्चा बच्चा, हिंदू हो, मुसलमान हो, एससी हो, सिख हो, हर आदमी जानता है सिद्धरामैया साहब का नेचर क्या है, आप सबको पता है। ये अफवाहें डाल के ये शाहिद जो है आज या 2-3 दिन के अंदर JDS को जाने का प्रोग्राम बनाया है। ये जाने के वजह से ये जो NR क्षेत्रा की जो कांग्रेस है, कांग्रेसशिप लीडर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद साहब को बोलना चाहिए, समझना चाहिए, NR क्षेत्र एक ऐसी सिटी, एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसे शाहिद साहब के अभी 200 या 300, ये चांद साहब के बेटे की अभी या 200 या 300-400 लोग भी आएंगे तो ना इस्लाम को खत्म कर सकेंगे ना कांग्रेस को खत्म कर सकेंगे। इस्लाम हमारा पहला वजूद है, ताकयामत अल्लाह और उसका रसूल का नाम लिए तक दायर और कायम रहेगा और रहेगा भी। रही कांग्रेस पार्टी की, हम कांग्रेस से जुड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हम लीडर हैं, हम कार्पेट हैं, हम कांग्रेस की ताहित में खड़ेंगे मरते दम तक, जब तक कांग्रेस में रहेंगे जब तक ताहित करते रहेंगे। रही दूसरी बात, यह अफवाहें डालना ये कांग्रेस को बदनाम करने का, ऐसे जैसा कि हमारे पंडू साहब बोले, गटर खोलने के साथ कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, वापस उसको पाक करके मूछने के साथ अंदर हो जाते हैं। आपको एक बड़ा लीडर बनना चाहिए तो आपको बड़ा काम करना चाहिए, छोटे मोटे कामों से लीडर नहीं बन सकते। पंडू साहब 3 बार जीते हैं, मैं पहली बार तबाह जीता हूं, मेरा दोस्त अकमल भी पहली बार आज जीता है। क्यों जीता है? पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे, आवाम के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मोहब्बत कायम थी, उनको काम करके दिए थे। शाही साहब आप 3 बार पार्टी से टिकट लिए कांग्रेस की, 3 बार खड़कर भी आप 1000 वोट या 1500 वोट पार नहीं किए। यही कैंडिडेट हमारे सामने बैठे हुए 4000 वोट लिए हुए हैं, हम भी बैठे हुए 3000 वोट लिए हैं, ये भी बैठे हुए 3000 वोट लिए हैं। क्योंकि पब्लिक हमें क्यों जिताई बोले तो हमारे में कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए और आवाम के लिए कुछ सोचे हैं बोल के, इसीलिए हमारे को जिता के लाइए। तनवीर सेठ साहब गुमराह हो रहे हैं इनके लोगों की बातें सुनकर। तनवीर सेठ साहब को आज के आज ही मीडिया के सामने आना चाहिए। शाहिद और चांद हमारी पार्टी का नहीं है, ये जो भी बातें कर रहे हैं ये पार्टी के और मेरे खिलाफ की है बोल के स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक है, आपने मजहब इस्लाम की बात की तो वो शेर इस्लाम के लिए नहीं था बल्कि ये था कि हिंद के मुसलमानों न समझोगे तो मिट जाओगे, दास्तान तक ना रहेगी, यानी हालात पर इस तरह एक तू तू मैं करते रहे तो मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेकर कहा गया। मैं नहीं ये बता रहा हूँ कि इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बताया है, शेरी है वो, लेकिन उन्हें मुसलमानों के बारे में बोला है, समझ जाओ मुसलमानों दास्तान तक नहीं रहेगी, दास्तानों में मुसलमानों को, इतिहाद के बारे में मुसलमानों को बोला है सर। आप पूरी कम्युनिटी को बोलकर लाए हैं, एक बात बोलता हूँ, उन्होंने भी मुसलमान हमें मुसलमान, इस तरह के इल्जाम अगर लगाते रहेंगे पंडू भैया भी और आप भैया भी, जिस तरह गटर का अगर को हमें किसी को जो है इस तरह का, नहीं नहीं हमारा मतलब किसी, सुनो सुनो, हमें किसी को बदनाम करना, किसी को नीचा दिखाना हमारा नहीं। चांद साहब जो हमारे फाजिल साहब के वालिद हैं, मैसूर के अंदर कैसी शख्सियत है अल्लाह बेहतर जानता है कि आप सब जानते हैं उनके बारे में। 70 साल या उम्र उनकी 70 में 5 साल लगी, 60 साल से सेठ साहब के साथ जुड़े हुए, बड़े सेठ साहब के साथ आज तक का भी कांग्रेस में ही, कांग्रेस की ताहित में बात की है, कभी भी इलेक्शन का टाइम हो, दूसरा मसला हो, कांग्रेस की ताहित में बात की है। ये जो चांद हमारा जो फाजिल चांद है, ये आके शाहिद का दोस्त है, ये बगीट पकड़ने वाला आदमी है, ये शाहिद की बगीट पकड़ने की वजह से, ये शाहिद की बगीट पकड़ने की वजह से ये जज्बात में आके शाहिद को फेवर कर रहा है, ये किसी को फेवर नहीं कर रहा है। अब आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर ये खड़े कपने वाले को मार रहे हैं, मुसलमान को जय श्री राम बोलो बोल के, एक बांगड़ी बेचने वाले को मार रहे हैं, कोई कुछ लेके जा रहा है उसे मार रहे, उसकी ताहित में क्यों नहीं बात किया आप?
पहले तो आप हमारी तहत में बात करना चाहता, आपको इतना जज्बात अगर मुसलमानों के लिए है तो आप हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों के बारे में उठाइए, हम आपके साथ हैं। ये नहीं शाहिद को एक लेकर कौन है शाहिद, शाहिद का कोई मैसूर के अंदर वजूद ही नहीं है। शाहिद तो कांग्रेस बनाई थी मैसूर के अंदर, कौन है शाहिद, वो सिद्धरामैया साहब और डीके शिवकुमार के साथ के बारे में उसकी औकात ही नहीं है। पहले उस जानना चाहिए था कि कांग्रेस में आने के बाद शाहिद को जाना गया, नहीं तो शाहिद कौन है। तनवीर सेठ साहब की बगीट पकड़ने के वास्ते शाहिद को जाना गया। हम सब कांग्रेस के साथ है, तनवीर सेठ साहब भी कांग्रेस के साथ ही है, कोई भी टीम ये टीम कांग्रेस की मैसूर के अंदर नहीं है, पूरी एक ही टीम है, हम साथ पूरे मिलकर है। जैसे कि आरिफ हुसैन साहब, हमारे अयूब साहब, पूरे मिलकर हम कांग्रेस के वास्ते काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आने वाले 2023 को इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। डीके साहब को भी और सिद्धरामैया जी को फोन करके पूछे रहेगा तुम्हें कौन से टीम वाले जी होगा, के पहले उन्होंने जान लेना सो कौन जान लेना सो जेडीएस वाले। लेकिन एक चीज क्या है, अगर को बोले तो अगर हमें इशारा देते ना हमारे कांग्रेस वाले जो वहाँ लीडर रहते हैं, दो मिनट में 5-6 जने तो ऐसा चाह जाते होगा। अब उनकी मजबूरी है, किसकी, अब जाको बोलना अगर को मजबूरी है बोल रही हूँ मैं, अगर एक सेकेंड चार अन्य का भी फोन नहीं, खाली एक फोन करते तो 4-5 जने तो ऐसा कांग्रेस को आ जाता है होगा कि वो मैं नामा नहीं बोल सकता, उन्होंने हमारे आदमी है इनकी गैर आदमी है अगर को मालूम नहीं है, लेकिन आ सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे लीडर सब क्या बोलेगा, तो इन्हों जबान के ऊपर ही नहीं होगा कि यह जबान के ऊपर नहीं है, सो चीज वाले को हमें कहीं को इंशाल्लाह ताला आने वाला 3-4 महीने में फिर मेयर का इलेक्शन होगा कि वो टाइम वो सालिट हमारी कांग्रेस आ चे, वो टाइम हमें बताएंगे क्या अगर को बोले तो कौन सही ही या कौन गलत थी, कौन बीजेपी को सपोर्ट करे नहीं करे अगर को मालूम होता वो टाइम को। और उनको खुद पम हमारे क्षेत्र में उनको पसंद नहीं आता, क्या उनको काम पसंद आता उनको। अब आखिर में 22 यानी फरवरी को, आने वाले फरवरी को ये मेयरशिप खत्म होती है, मसला उठाता मेयरशिप के, ये जो बहस हो रही है आपके पास भी हो रहा है वहां पे भी हो रहा है, ये बहस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इख्तियार में आने को लेकर हो रहा है। तो मेरा सवाल सीधा ये है कि आने वाले फरवरी में दोबारा आप दोनों का जिस तरह का इतिहाद था वो बहाल होने की उम्मीद है या ऐसे ही बीजेपी को छोड़कर? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो टेम्पो हमारी खुद की कांग्रेस हमें खुद बिठाएंगे हमारी पार्टी के अंदर सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार, इंशाल्लाह अगर से वो उनके साथ मिलना है कर अगर वो बोलेंगे पार्टी हाईकमांड का क्या फैसला था उसके साथ हमें रहती पूरा हाईकमांड फैसला करती है उसके साथ हम चलते हैं। अब दूसरी बात क्या है जो कन्फ्यूज आप लोगों को आया है 5 साल के बारे में, जो जब पहला इलेक्शन हुआ जो मेयर हमें पुष्पा लाहता को बना है उस टाइम पे हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था, क्या बोल के अग्रीमेंट हुआ था, पहला कांग्रेस, सेकेंड जेडीएस, थर्ड कांग्रेस, उसके बाद आके जेडीएस। लेकिन हमें बात पे रहे, तस्लीम मानो को हम बनाए, आप सब देखे हुए हैं, उसका साथ भी दिया। लास्ट टाइम जो रुक्मणी मादेगौड़ा को बनाया हमारे ब्लैकमेल करके बनाए इन्हों क्या मेयर, जबकि हम पंडू साहब सब मिलकर इसका साथ दिए। क्यों साथ दिए बोले के बीजेपी नहीं बैठना बोल के उनको मेयर छोड़ के दिए, तनवीर सेठ साहब को हम जबरदस्ती किए, जबरदस्ती करके मेयर देके बनाए, जबकि तनवीर सेठ साहब वही स्पॉट पे बोले ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, इसका कोई केस चल रहा है, इसे मत बिठाओ, छोड़ के दे दो इंशाल्लाह हम बोले दो। लेकिन वो जबरदस्ती करके ब्लैकमेल करके हमारे पास से लिए, 2 महीने में चले गई। उसके बाद सारा महेश साहब को हम फोन किए, हमारे पार्टी के लीडर, जब सारा महेश क्या बोले बोले तो 4 महीने ऐसे ही घट गए हैं, हमें नहीं चाहिए, आप जिसको चाहिए उसको लीड डालकर आप मेयर बना लिए। जब हमारा एक हमारी पार्टी की वजह से हमारी एक जो लीडर थी मैडम थी उसको अलाउंस किए, जब आके उन्होंने हाथ उठाना चाहिए था कॉर्पोरेशन के अंदर, जब उन्होंने रात रात क्या किए बीजेपी से अलायंस हो जाके चुप बैठ गए, हमें क्या सोच के गए थे अंदर, जब हमारे लोग कांग्रेस के लोग हाथ उठाएंगे तो जेडीएस वाले भी उठाएंगे, हमारा मेयर बन जाएगा, नेक्स्ट इनको 2 बार भी हम मेयर दे देंगे, ये सोचकर हम बैठे थे। जब ये अलायंस हो गए, इन जब अंदर से बात किए थे हमें पता नहीं था, ये खामोशी होने की बैठने की वजह से 26 सीटें उनके पास थी, इसीलिए वो मेजॉरिटी से मेयर बना। ये क्या भी बड़ी बात नहीं है, 70 साल से हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, अब 2 बार से प्राइम मिनिस्टर भी बैठ गया है, कर्नाटका के अंदर 3 बार हुकूमत बीजेपी करी है, एक मेयर बैठ जाने से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये कोई ये अफवाह है, बैठ जाने दीजिए, 1 साल या 6 महीने की बात है, इंशाल्लाह 4 महीने की बात है, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे क्या होता है, कांग्रेस कहां तक जाती है, इंशाल्लाह
अब एक महीने या तीन महीने चार महीने के अंदर जी डी देवगौड़ा साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह और एक बड़ी ताकत हमारे साथ आएगी आने वाले इलेक्शन में। पांच साल के बाद हम जो आने वाले तीन साल के बाद सिंगल मेजॉरिटी कॉर्पोरेशन हम पकड़ेंगे, हम चलाएंगे इंशाल्लाह।